सब्सक्राइब कीजिए विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाल ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी फॉर्म फिल करना होता है तो सबसे पहले जो है आपको एक फोटो और एक सिग्नेचर जो है स्कैन करके लगाने होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिलती है कि आपके पास जो फोटो और सिग्नेचर होते हैं उनका साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि मैं अपने मोबाइल से किसी भी एक फोटो को यहाँ पर क्लिक करूंगा, मैंने यहाँ पर अपना एक फोटो ले रखा है, अगर मैं इसको यहाँ पर स्कैन करने की कोशिश करूंगा तो इसका साइज जो है बहुत ही ज्यादा हो जाता है, एमबी में हो जाता है। तो इसको केबी में करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हम अपने किसी भी ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब जैसे कि एसएससी ग्रुप सी या फिर किसी में भी हमें अपना फोटो और साइन स्कैन करना होता है और उसके बाद अपलोड करना होता है, तो यहाँ पर इसकी साइज को हम किस तरह से कम करेंगे, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, तो इसको शुरू से आखिर तक का देखते रहें। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से आप अपने फोटो को रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी इमेज साइज को ऑनलाइन बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसके माध्यम से जो है आप अपने फोटो का साइज बहुत ही कम कर सकते हैं। तो मैं आपको ज्यादा टाइम न लेते हुए आपको बताता हूँ इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना आपके हाथ में है, अगर पसंद आए तो लाइक करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर अपनी एक इमेज ले रखी है, अब मैं आपको सबसे पहले इसको क्लिक करके दिखाता हूँ, उसके बाद जो है यहाँ पर मैं एक सिग्नेचर भी अपने यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर एक साइन भी लिख लेता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ तो मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर तो यहाँ पर पेन भी काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ऐसे साइन कर दिए हैं ये। तो अब हमें किस तरह से इसको स्कैन करना है, सबसे पहले जो है हमें क्या करना होगा, हम इसको जो है यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फोटो को क्लिक कर लेता हूँ। तो कुछ ज्यादा ही यहाँ पर शायद ये धुंधला हो चुका है, तो मैं दोबारा से जो है इसको क्लिक कर लेता हूँ, शायद ये बहुत ज्यादा जूम हो चुका है, तो यहाँ पर जो है इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने फोटो को क्लिक कर लिया है, आप देख सकते हैं फोटो जो है हमारा क्लिक हो चुका है। अभी मैं आपको इसका साइज भी दिखाऊंगा, साइज भी इसका बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इसके बाद में यहाँ पर अपने साइन जो मैंने किए हैं अभी इसको भी स्कैन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है इस सिग्नेचर को भी मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने सिग्नेचर जो भी है मेरे इसको भी मैंने क्लिक कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है आपको यहाँ पर लेनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जो है यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन खोल लेता हूँ जिसका नाम है फोटो पिक्चर रिसाइजर। तो हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है और यहाँ पर जो है मैं सिलेक्ट फोटो पर क्लिक कर लेता हूँ, आप यहाँ से फोटो भी खींच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो मैंने पहला फोटो ले लिया है और यहाँ पर फोटो की साइज जो है 283 KB बता रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वाली एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, आप अपने फोटो का साइज जो है रिसाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना फोटो जो है अपलोड करते हैं तो उसका साइज लगभग 150x ऐसे कुछ मांगता है, तो यहाँ से जो है आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो भी साइज चाहिए होगा आप वेट और यहाँ पर हाइट जो है अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फिलहाल मैं यहाँ पर इसको कुछ भी रख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले वाले पर ही 25% पर रख कर देखता हूँ। और यहाँ पर जो है हमारी सेव हो चुकी है और मैं यहाँ पर नो थैंक्स पर क्लिक करने के बाद इसको सेव हो चुका है। तो यहाँ पर जो है हमारा सेव हो चुका है। अब दोस्तों बात आती है हमें किस तरह से अपने फोटो के साइज को कम करना है। तो हमें क्या करना है, ये दूसरी एप्लीकेशन हमें ओपन कर लेनी है। इस एप्लीकेशन का नाम है क्यू रिड्यूस लाइट। तो हमें क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा इसका इंटरफेस है, सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ पर चॉइस फोटो पर क्लिक करना है और इसके बाद जो है आपको अपना फोटो ले लेना है गैलरी में से। तो यहाँ पर जो है मैं गैलरी में से अपने फोटो को ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर फोटो क्लिक किया था तो मैंने इसको ले लिया है। अब यहाँ पर आपको इसका साइज कितना रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि मान लीजिएगा आपको ज्यादातर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना होता है ऑनलाइन, तो वहां पर आपसे जो फोटो मांगा जाता है उसका साइज होता है 20 से 30 KB। तो यहाँ पर जो है जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर 3 MB का ये फोटो है, तो अब हमें इसे KB में कन्वर्ट करना है। आप इसे MB में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से MB KB दोनों का आपको ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर 4 MB के लगभग का ये फोटो है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ 50 KB। तो मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टार्ट पर आपको क्लिक दिखेगा और यहाँ पर वेट करना है और यहाँ पर जो है ये 50 KB में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग चल रही है और दोस्तों ये जो है ऑफलाइन वर्क करती है एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो है अभी हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग हो रही है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हमारा फोटो जो है मैंने 50 KB में इसको कन्वर्ट किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 49.34 KB का ये फोटो हमारा हो चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ही आराम से अपने फोटो को रिसाइज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको JPG या आपका फॉर्मेट जो है JPG हो जाएगा, आप JPG PNG किसी में भी यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो है हमारे गवर्नमेंट जॉब के लिए जो फॉर्म लगता है उसमें JPG में मांगा जाता है।
तो यहाँ पर दोस्तों इस फोटो का साइज जो है आपका ठीक हो चुका है। आपको यहाँ पर 3 MB यानी कि 4 MB का फोटो जो है आपका सिर्फ 49 MB में हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों एप्लीकेशन के बारे में, इसको कैसे आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जाना होगा हमें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। तो यहाँ पर जो है मैं अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ चुका हूँ। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा पिक्चर रिसाइज एंड कंप्रेस। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पिक्चर रिसाइज एंड कंप्रेस लिखना है और आपको यहाँ पर इसको सर्च कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखकर सर्च करेंगे तो ये जो है आपको दो एप्लीकेशन मिल जाएंगे। पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे फोटो पिक्चर रिसाइजर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, 4.6 की इसकी रेटिंग है। इसको यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिलियन यूजर जो है इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर चुके हैं। 4.6 की इसकी रेटिंग है। ये एप्लीकेशन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है। और यहाँ पर जो दूसरी एप्लीकेशन है जिससे आप अपने MB के फोटो को KB में करेंगे, तो ये रिड्यूस करने वाली जो इमेज है इसके लिए आपको यहाँ पर दूसरा कंप्रेस इमेज साइज इन KB MB लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और ये एप्लीकेशन भी आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है। तो इन दोनों एप्लीकेशन के माध्यम से जो है आप अपने फोटो और अपने इमेज का कोई किसी का भी साइज जो है यहाँ पर कम कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज बनाता रहूं। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।